बूंदी जिला अभिभाषक परिषद की कार्यकारिणी को आज मंत्री अशोक चांदना द्वारा शपथ दिलाई गई। इस दौरान जिला मुख्य न्यायाधीश उमाशंकर व्यास सहित अन्य न्यायाधीश भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पहुंचे मंत्री अशोक चांदना ने सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने कार्यों के प्रति सजग व बार एसोसिएशन को लेकर आने वाली समस्याओं को लेकर कार्य करने पर व संघर्ष करने की बात करते हुए सभी को शपथ दिलाई है। बूंदी का न्यायालय परिसर छोटा है, जिससे सभी को आने वाली समस्याओं से निजात दिलाने के लिए मंच पर स्थित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सदस्यों ने न्यायालय परिसर के लिए अतिरिक्त जमीन अन्यत्र न्यायालय परिसर बनवाने की मांग की है। इसमें देखने वाली बात यह है कि जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय परिसर महज कुछ ही जमीन पर छोटे छोटे भवनों में संचालित हो रहा है, जिसके चलते आमजन सहित कई विभागीय अधिकारियों को भी समस्या होती है और आए दिन यहाँ पर जाम की समस्या भी बनी रहती है। वही न्यायिक कार्यों में भी कई बार बाधा आ जाती है। और अच्छा न्यायपालिका अच्छे से काम कर सके, लोग वहां पर आए, आप लोग भी परेशान नहीं हो, जनता भी परेशान नहीं हो, इसके लिए खुली जगह की जरूरत है। और मैं पूरा विश्वास अधिक जी आपको दिलाकर जा रहा हूं कि आपने जो जगह की डिमांड रखी है आपके कार्यकाल में सरकार से वो जगह दिलाने का काम। में वक्ता कह रहे थे और मैं भी बिल्कुल उनसे सहमत हूं कि आज हमारी बूंदी जो भी बन पाई है, जहां भी पहुंच पाई है, इस हमारे बूंदी जिले में वकीलों का, हमारे अभिभाषक साथियों का विशेष रोल रहा है आजादी के बाद से अभी तक। और हमारे जिले के अभिभाषक साथियों ने न्याय दिलाने के अलावा लीडरशिप करने का भी काम किया, बड़ी मजबूती से किया और आने वाले वक्त में भी करते रहेंगे, क्योंकि राजनीति ऐसी बीमारी है कि जो लग जाए वो छूटती नहीं।